यहाँ पे आप देखिए कुछ मिसिंग लग रहा है। स्विच को हम लोग ऑफ करते हैं तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूट्रल का लाइट नहीं दिखा रहा है, गियर इंडिकेटर नहीं दिखा रहा। एक है आपका सिंगल चैनल एबीएस और दूसरा आता है डुअल चैनल एबीएस के साथ। बजाज पल्सर 160 का जो एग्जॉस्ट नोट है वो बहुत ही लाजवाब है और मैं आपको अभी उसको सुनाता हूँ। ये साइड स्टैंड गिराया और गाड़ी ऑफ। सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, हमारे पीछे आप देख सकते हो बजाज पल्सर 160 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है और अभी हम लोग इस बाइक को लेकर जाने वाले और पूरा राइड रिव्यू देने वाले और उसका फुल एंड फाइनल जो रिव्यू है वो भी देने वाले। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, आज की ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और अभी डायरेक्टली मिलेंगे मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। सो गाइस, वेलकम टू द मोटर ब्लॉगिंग सेटअप। एंड यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर को देख सकते हो एंड 250 की तरह यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर को दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो भरा हुआ है इन्फॉर्मेशन से। वो आगे जाके रोक के कहीं पे डिटेल्स में बात करेंगे उसके बारे में। सो फिलहाल गाइस, मैं थोड़ी देर तक इस बाइक को चलाने वाला हूँ और उसके बाद मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि इसका राइडिंग एक्सपीरियंस क्या है। अगर लॉन्ग टूर के लिए आपको यूज करना है तो कैसा रहेगा, अगर सिटी राइड के लिए यूज करना है तो कैसा रहेगा। और एक चीज मैं बता दूं कि इसका जो सेटिंग पोस्चर है वो बहुत ही एग्रेसिव सेटिंग पोस्चर है। लाइक स्पोर्ट्स बाइक पे आप जैसे बैठते हो बेसिकली इट्स अ नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट बाइक एंड ये उसी का फील आपको एकदम 100% देगी। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस ब्लॉग आई वुड लाइक टू थैंक्स बजाज सेल्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। तो अगर आपको भी ये बाइक चाहिए या फिर बजाज की और कोई बाइक चाहिए तो शोरूम का पूरा कॉन्टेक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्दी से जाइए गाइस और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। एंड नाउ आई विल लुक गाइस। सो गाइस, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया जा रहा है और उसी के साथ यहाँ पे आंखों के जैसा दिखने वाली DRLs भी देखने को मिल जाती है। और तो और इंडिकेटर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको हैलोजन इंडिकेटर्स दिया जा रहा है। सो फिलहाल अगर फ्रंट सस्पेंशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फॉग दिया जा रहा है। सस्पेंशन के बाद अगर टायर साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 100x80 सेक्शन की 17 inches वाली MRF की टायर देखने को मिल जाती है। और अगर ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिस्क के साथ यहाँ पे आपको ABS भी देखने को मिल जाती है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो N160 है यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS के साथ डुअल चैनल ABS भी देखने को मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टेकोमीटर, फ्यूल मीटर और यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर भी देखने को मिल जाती है। और तो और यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे लो बैटरी इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाती है, फिर लो फ्यूल इंडिकेटर लाइट, इंजन मल फंक्शन, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, लो बीम हाई बीम, RPM लिमिट इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर लाइट और यहाँ पे आपको न्यूट्रल इंडिकेटर लाइट भी देखने को मिल जाती है। सो फिलहाल अगर हैंडल बार के बारे में बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंडल बार में आपको यहाँ पे देख सकते हो पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और यहाँ पे आपको हॉर्न स्विच देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे राइट हैंडल बार में इंजन किल स्विच, हेडलैम्प ऑन ऑफ बटन और उसी के साथ यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन भी देखने को मिल जाती है। सो गाइस, बजाज पल्सर N160 में मेरे को एक नया फीचर देखने को मिला है। ये जो आपका इंजन किल स्विच है, अगर इंजन किल स्विच को हम लोग ऑफ करते हैं तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूट्रल का लाइट नहीं दिखा रहा है, गियर इंडिकेटर नहीं दिखा रहा है, उसके बाद स्पीडोमीटर नहीं दिखा रहा है। दैट मींस इंजन का जो मेन फंक्शन है वो सब वो किल स्विच के साथ बंद हो जाती है और ये जो गाड़ी है वो शो कर रही है। सो फिलहाल अगर फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 14 लीटर का मैसिव फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जहां से आपको 2.8 लीटर का रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। और एक चीज जो बजाज ने यहाँ पे दिया हुआ है USB चार्जिंग सॉकेट। सो गाइस, कहीं पे भी आप अपनी फोन को चार्ज कर सकते हो। सो फिलहाल अगर इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 164.82 सीसी के सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक FI ऑयल कूल इंजन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आपको 16 PS की मैक्सिमम पावर और 14.65 Nm की टॉर्क देखने को मिल जाती है। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द गियर इंडिकेटर, यहाँ पे आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियर लीवर देखने को मिल जाती है। और अगर साइड स्टैंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप वाला सेंसर भी देखने को मिल जाती है। और तो यहाँ पे आपको सिंगल स्टैंड के साथ डुअल स्टैंड भी दिया जा रहा है। सो गाइस, कमिंग टुवर्ड्स रियर साइड, रियर में आपको यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। और अगर स्विंग आर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बॉक्स टाइम स्विंग आर्म दिया जा रहा है। बट यहाँ पे आप देखिए कुछ मिसिंग लग रहा है गाइस, ये मिसिंग नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नीचे अंडरवेली एग्जॉस्ट दिया जा रहा है। सो अगर रियर टायर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 130x70 सेक्शन की 17 inches वाली यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर दिया जा रहा है और उसके साथ यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स भी दिया जा रहा है। और अगर ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो डिस्क के साथ यहाँ पे आपको ABS भी देखने को मिल जाती है। बेसिकली हम जिस वेरियंट को लेकर आए हैं वो डुअल चैनल ABS के साथ डुअल डिस्क है। और यहाँ पे ये जो वेरियंट है N160,
यहाँ पे आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाती है। एक है आपका सिंगल चैनल एबीएस और दूसरा आता है डुअल चैनल एबीएस के साथ। सो फिलहाल अगर टेल लैम्प के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको टेल लैम्प जो की है एलईडी सेटअप के साथ दिया जा रहा है, बट यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज किया गया है वो है हैलोजन इंडिकेटर्स। और गाइस पीछे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड दिया जा रहा है और साड़ी गार्ड के ठीक सामने यहाँ पे आपको टायर हगर भी देखने को मिल जाती है। सो गाइस बजाज पल्सर एंड 160 जो की है 195 mm की सीट हाइट है एंड मेरा हाइट है 5'4", तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि मेरा पैर कितना टच हो रहा है। और बेसिकली अगर मैं अपनी लेफ्ट पैर की तरफ इशारा करता हूँ तो देखिए यहाँ पे टिप तो हो रहा है, ओके। और मैं भैया से अभी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरफ से आके मेरा राइट पैर की तरफ भी थोड़ा दिखा दे। तो बेसिकली गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका हाइट है 5'4" या फिर 5'3" या फिर 5'2" है तो आप इजीली इस बाइक को हैंडल कर सकते हो, और अगर उसके ऊपर है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे कि मेरा पेड़ जो है दोनों तरफ से टच हो रहा है, ऑफ रोडिंग हो या फिर नॉर्मल रोड भी हो, मैं इसको इजीली मैनेज कर सकता हूँ, या फिर सिटेड ट्रैफिक हो उसमें भी मैं इजीली उसको मैनेज कर सकता हूँ। बजाज पल्सर 160 का जो एग्जॉस्ट नोट है वो बहुत ही लाजवाब है और मैं आपको अभी उसको सुनाता हूँ। तो गाइस बजाज पल्सर एंड 160 की और एक फीचर्स के बारे में मैं आप लोगों को बताता नहीं हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ डायरेक्टली। जैसे कि आप देख सकते हो गाड़ी जो की है अभी फर्स्ट गियर पे है और ये साइड स्टैंड उठा हुआ है, तो ये साइड स्टैंड गिराया और गाड़ी ऑफ। सो गाइस ये हो गया आपका साइड स्टैंड कट ऑफ वाला फीचर्स। सो गाइस बाइक लिए हुए मेरा 1 घंटा से ऊपर हो चुका है और लिटरली गाइस मेरे को टाइम का कोई हिसाब नहीं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कुछ डिफरेंट सेटिंग पोस्टर मिला है और इस पोस्टर में मेरे को चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड लिटरली गाइस अगर आपको भी एक स्पोर्ट्स सेगमेंट की गाड़ी चाहिए तो फिर आप एंड 160 की तरफ एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि 160 सेगमेंट में इतना ज़्यादा पावर एंड टॉर्क कोई दे सकता है तो फिर बजाज एंड 160 ही दे सकती है। और उसके ऊपर से ये जो नया इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है ना भाई, मेरे को लिटरली इसको देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि गाइस इट्स इतना साल हो गए बजाज अपना वही घिसा पिटा सा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर यूज़ कर रहा है, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बजाज ने अपना इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर चेंज किया 250 में, एंड 160 में वही सिमिलर इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर बजाज ने रखा है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो थोड़ा सा आपको डिम लगेगा, बट इसके जलाने के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो ऑन ऑफ वाला बटन है वो यहाँ पे आपको किल स्विच के ठीक नीचे देखने को मिल जाएगी, जो कि दो काम करता है, एक तो आपका हेडलैम्प को कंट्रोल करता है, दूसरा आपका जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है उसका लाइट है गाड़ी का जितना भी लाइटिंग सिस्टम है वो ऑन ऑफ करता है एक्सक्लूडिंग DRL, क्योंकि DRL हमेशा जलता रहता है। एंड वन मोर थिंग कि बजाज ने यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के ठीक नीचे है चार्जिंग सॉकेट दिया है, USB चार्जिंग सॉकेट, क्योंकि लिटरली गाइस ये जो चीज़ से ये हर बाइकर की जरूरतमंद चीज है, एंड बजाज ने अपनी कस्टमर्स का सुना और कस्टमर का ख्याल रखने के लिए ये सब फीचर्स इंक्लूड किया, भाई हैट्स ऑफ टू द बजाज। सो फिलहाल अगर राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो मेरे को तो बहुत ही बढ़िया इसका राइडिंग एक्सपीरियंस लगा, क्योंकि इंजन इतना ज्यादा ट्यून किया ही बोले, मेरे को 2 सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि थ्रोटल को छोड़ दो, और इसकी एग्जॉस्ट के साउंड जो है बहुत ही बेहतरीन सा साउंड है। सो यह गाइस दिस इज ऑल फॉर द टुडे। सो गाइस आप बताना मेरे को कमेंट बॉक्स पे अगर कुछ रह गया हो, तो फिलहाल मैं आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दियो लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दियो सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे ऐसी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू ऐड, इसका जो हॉर्न का साउंड है वो मैं आप लोगों को अभी सुना देता हूँ। आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका हॉर्न का जो साउंड है वो आप लोगों को कैसा लगा। सो नाउ विद द काउंट डाउन ऑफ 3, 2, 1, मज़ेदार है गाइस, उतना भी ज़्यादा लाउड नहीं है और उतना भी ज़्यादा कम नहीं है, एक बीच वाला साउंड है, बढ़िया लगा मेरे को। सो गाइस अभी मैं शोरूम पे वापस आ चुका हूँ एंड अभी वो घड़ी आ चुकी है जब हम लोग इसका प्राइस रिवील करने वाले हैं। सो गाइस डुअल चैनल ABS एंड 160 का प्राइस आता है 1,50,000। तो अगर आपको भी ये गाड़ी चाहिए तो शोरूम का पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो जल्दी से आइए गाइस और अपना बाइक लेकर जाइए। बेसिकली मैंने चला के देखा, जो राइडिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे को बहुत ही बढ़िया राइडिंग एक्सपीरियंस रहा, और उसी के साथ इसके में बहुत सारी फीचर्स है एंड आई गेस कि अगर आप लोगों ने वो चीज़ मिस कर दिया है तो रिपीट जाइए वीडियो में और जाके उसको पूरा से पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो बाइक आने वाली है बहुत ही रिफाइंड इंजन के साथ आई है। Crest in the dive of